परवल का सब्जी बनाने के लिए हमने परवल को लेकर के इसे हम ऊपर से स्क्रेच कर दिए हैं। स्क्रेच करके अच्छी तरह से धो करके इसे हम दो दो पीस में परवल को काट लिए हैं। चार बॉयल किया हुआ मीडियम साइज का आलू है, एक बड़ा सा प्याज है उसे इस तरह से हम रफली मोटा मोटा काट लिए हैं, चार लहसुन की कलियाँ, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और चार पाँच काजू। सबसे पहले एक बर्तन में आधा गिलास पानी को डाल दिए हैं और गैस को ऑन कर देते हैं। और इसमें हम प्याज, काजू, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन इन सभी चीज़ों को डाल देते हैं और इसे हम नरम होने तक बॉईल कर लेते हैं। इसे हम ढक देते हैं कि जिसे जल्दी अच्छी तरह से नरम हो जाएगा। अब इसे हम चेक कर लेते हैं, ये सभी चीज़ अच्छी तरह से नरम हो गया है, प्याज भी। इसे नरम होने में करीब 2 मिनट का समय लगा। अब हम गैस को ऑफ करके और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस तरह से इसका हम पेस्ट तैयार कर लिए हैं। इधर गैस ऑन करके कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में लगभग 2 छोटा चम्मच सरसों का तेल को डाल दिए हैं और तेल गर्म हो गया है। इसमें हम परवल को पहले फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम को अभी हम मीडियम पे कर देते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। परवल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसी तेल में 2 लौंग, 1 इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है उसे हम डाल देते हैं इसमें। इसके बाद इसमें हम प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और काजू का जो पेस्ट तैयार किए हैं उसे हम आहिस्ता डाल देते हैं इसमें। और इसे हम हल्का भून लेते हैं। हल्का भुनाने के बाद इसमें हम मसाला को डाल देते हैं। मसाला में 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी, इसे भी हम हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल देते हैं। और मसाला को भी हल्का हम भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी को डाल देते हैं जिससे कि मसाला अच्छी तरह से भुना जाए। मसाला भी अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसमें हम एक छोटा सा टमाटर, उसका हम इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिए हैं, उसे हम डाल देते हैं। साथ में स्वाद अनुसार नमक, नमक लगभग 1/2 छोटा चम्मच है। और लगातार चलाते हुए टमाटर को भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। टमाटर भी अच्छी तरह से भुना गया है। एक बार इस तरह से आलू परवल का सब्जी ज़रूर बनाइए, हर किसी को पसंद आएगी। अब इसमें हम लगभग 1 छोटा चम्मच दही है, दही को डाल देते हैं और इसे भी हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिला लेते हैं। दही भी को भी अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसमें हम बॉयल किया हुआ जो आलू है उसे हम इस तरह से हाथ से तोड़ तोड़ करके इसमें हम डाल देते हैं।
साथ में फ्राई किया हुआ परवल को भी डाल देते हैं। और इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे हम लगभग एक मिनट के लिए ढक करके छोड़ देते हैं। लगभग एक मिनट हो गया, अब इसे हटा करके हम फिर से एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं। अब इसमें हम लगभग आधा गिलास पानी को डाल देते हैं। और ऊपर से लगभग आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर है, इसे भी हम डाल देते हैं। और गैस का फ्लेम को लो करके लगभग 5 मिनट के लिए ढक करके इसे हम पकने देते हैं। लगभग 5 मिनट हो गया, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। आलू परवल की सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे हम सर्व कर लेते हैं। आलू परवल की सब्जी को सर्व कर लिए हैं। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।